रेंज इन्होंने कितनी बताई? 320 कंपनी बता रही है। जो फीडबैक है, जो कस्टमर फीडबैक है, वो 270-250 है। तो ये रेंज कभी बढ़ा भी सकते हैं इसमें या फिर नहीं? नहीं, इसमें एक अपना इको मोड होता है, आप उसको ऑन करके चलाओगे और उस पर कुछ एवरेज अप हो जाएगी, बढ़ेगी। मतलब इको मोड ऑन करके चलाओगे और एसी अगर ऑफ करके चलाओगे सर्दियों में, हाँ जी, तो माइलेज मिल सकती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं होता कि जब हम रेड लाइट पे खड़े हैं कहीं से चला के लेके आए हैं और ये गाड़ी हीट हो गई, तो रेड लाइट पे खड़े हैं और इस गाड़ी ने अपना एसी बंद कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होया। ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसा देखने को मिलता है कि भाई एसी ऑफ हो जाता है, क्योंकि कार की जो बैटरी होती है उसको कूलिंग सिस्टम ज्यादा ठंडा करने में लग जाता है, बजाय वो आपको कूलिंग अंदर प्रोवाइड करे। चलो, सबसे पहले क्या है, कार फ्रंट से तो नॉर्मल C3 जैसी लगती है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एक्चुअल वही पेट्रोल वाली C3 की बॉडी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसका एक राज दिखा दूं आपको, उस तरफ लेके चले जाओ, उसके जो पेट्रोल लिड होता है ना, इसमें ये पेट्रोल लीड एक्चुअल लगा के दे दिए इन्होंने, जबकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है। तो R&D के प्रोसेस में इन्होंने इसी बॉडी के अंदर मोटर और बैटरी लगा दी, और उसका जो चार्जिंग सॉकेट बनाया वो यहाँ से बनाया। तो बॉडी एक्चुअली वही है जो थी C3 की, लाइट्स वगैरह सब कुछ वही है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब लाइट से मुझे याद आया कि इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प है। अब एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर हेलोजन हेडलैम्प देने एक बहुत बुरी सी बातचीत होती है, क्योंकि हेलोजन जो होती है ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसकी जो लाइट होती है ना, वो येलोइश होती है, बिल्कुल थोड़ी डाउन होती है आजकल के हिसाब से, क्योंकि आजकल स्ट्रीट लाइट सिटी वगैरह में बहुत है, ये हेलोजन लैंप वहाँ चलते हैं जहाँ पे रूरल एरिया या फिर बिल्कुल कच्चे रास्ते होते हैं ना, या फिर ठंड हो तो वहाँ पे होती है। बाकी अगर LED लाइट का इसके अंदर थोड़ा सा दे देते, वैसे इसकी लाइट कैसी है? ठीक, मतलब इतनी बेटर नहीं कह सकते, बाकी LED दे देते और अच्छा लगता, और अच्छा लगता ना जी, दिल को सुकून हो जाता। अब ये कार कितने की आती है ऑन रोड, आपको कितनी पड़ी? ऑन रोड मेरे को पड़ी 13.5 लाख की। 13.5 लाख रुपए इन्होंने इस कार के अंदर लगाए। इससे पहले कौन सी कार यूज कर रहे थे? स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो यूज कर रहे थे, तो उसको यूज करते करते मन भर गया उससे? मन सा भर गया सर, मगर थोड़ा कुछ नया आया, मगर नया लेके देखते हैं। चौड़ी सी बड़ी सी, गियर चेंज करते रहो, क्लच दबाते रहो, ये लो भैया टांग खराब हो जाती है, इन गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, अब थोड़ी सी इधर ही आते रहो। तो देखो, इसमें ना फॉग लैंप नहीं दिए कंपनी ने, बाकी इसके अंदर प्रोविजन है, बाहर से लगवा सकते हो चाहो तो। DRL वगैरह प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। इस तरफ से दिखाएंगे तो अलॉय व्हील नहीं है इसके अंदर, लेकिन कंपनी कहती है कि भैया तुम थोड़े से 40,000 रुपये और दो और इसके अंदर अलॉय व्हील लगा लो। ये जो पोर्ट है ना, ये खुलता है चार्जिंग के लिए यहाँ से, मैनुअल पोर्ट है ये, वायर से कनेक्टेड, और इसके चार्जिंग पोर्ट कुछ इस टाइप के, ये वाला चार्जर लगता है आपके घर वाले में? हाँ जी, घर वाले, है ना। और जैसे ये हटा देते हो तो ये बड़े बड़े जो सॉकेट हैं ये लग जाते हैं आपके, जो पेट्रोल पंप वाला जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल सॉकेट, है ना। तो इसमें ये फर्क होता है। तो जी, अब ये बताओ कि घर में जब इस कार को चार्ज करते हो 15 एम्पीयर के चार्जिंग सॉकेट से, हाँ जी, कितना टाइम लगता होगा उसमें? सर कंपनी तो क्लेम करती है 8-9 घंटे, बाकी यही 10-12 घंटे लग जाते हैं। 10-12 घंटे लग जाते? बिल्कुल बिल्कुल। इसको 100% चार्ज होता है? बिल्कुल 100% हो जाता है। और जब पेट्रोल पंप से किया आपने, 0 to 80 का बता दो। 0 to 80 का है कि आप 57 मिनट में 80% हो जाएगी सर, 0 से 80% तक 57 मिनट के अंदर। हाँ जी, वैसे सही है, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि जब आप स्कॉर्पियो चला रहे थे उसमें डीजल डलवाते थे या पेट्रोल जो भी था, हाँ जी हाँ जी, एकदम से डल जाता था 5 मिनट में, हाँ जी। 57 मिनट आपने पेट्रोल पंप पे बैठ के क्या किया? सर लंच वगैरह किया। वैसे ये तो अभी ड्रॉबैक है ना, हाँ जी हाँ जी, है ना, कि भाई क्या करेगा इंसान 57 मिनट। सोचो ये तो 57 मिनट में हो भी रही है, जो गाड़ियां नहीं हो रही 57 मिनट में, जो लेट चल रही है वो, उस वक्त क्या कर सकते हैं सर, वेट ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्कॉर्पियो ड्राइवर हैं इसलिए इनके व्यूज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंदर का जो माहौल है इसका वो कुछ ऐसा सा है, सारा ब्लैकिश सिल्वरिश, काफी एलिगेंट सा बना रखा है, प्लास्टिक क्वालिटी भी ठीक है। अंदर स्पेस कैसा लगा आपको? सर स्पेस अच्छा है। कितने लोग बैठते हैं कार में जनरली? आप अकेले चलते हो? तकरीबन तो अकेला चलता हूँ, मगर अभी मैंने एक रूट किया है, हाँ। उसमें हम 4 लोग गए थे। अच्छा, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ के गए सर। और सामान वगैरह उनका? सामान वगैरह पूरी डिग्गी यूज है सर, मतलब सामान वगैरह 4 लोगों का सामान वगैरह आ गया। हाँ, एक बार जरा यहाँ आके दिखाना। अब देखो, आप स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे इतने टाइम से, तो उसमें क्लच का बहुत बड़ा रोल होता है, गियर का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ जी, इसमें आपको लगा नहीं कि यार ये इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना हाई क्लास? सर मेरे को तो बाकी आसान लगा है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये स्विच सिर्फ इसका ये जो नोब है इसको आप कर सकते हो पीछे और आगे, और ये ड्राइव में चली जाएगी, रिवर्स में चली जाएगी। गियर सिलेक्टर एक्चुअली इसका यही है। हाँ जी, कार जो है मैन्यूवर करने में, स्टेयरिंग करने में ट्रैफिक के अंदर कैसी है?
सर अच्छी है, बहुत अच्छी है। और थ्रॉटल जैसे हम देते हैं, हम खड़े हैं रेड लाइट पे, हाँ जी, और ड्राइव मोड पे डाला, हाँ जी, थ्रॉटल दिया, सबसे आगे निकल रही है, बिल्कुल सर, पेट्रोल गाड़ियों से, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बहुत बड़े इंजन वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर क्या होता है, इसकी पावर तो ज्यादा नहीं है, 57 PS का पावर आई थिंक इसके अंदर, है ना, पावर ज्यादा नहीं है इसकी, लेकिन क्या होता है इनिशियल टॉर्क ज्यादा होता है, तो मोटर जो है वो एकदम से जमीन पे रखी हुई चल जाएंगी वो। पेट्रोल इंजन में क्या है, पेट्रोल पहले फोर्स बनाएगा, डीजल इंजन फोर्स बनाएगा, तब वो व्हील पे जाएगी, तब वो आराम आराम से चलती है, लेकिन टॉप स्पीड के लिए नहीं होती है, टॉप स्पीड उन्हीं के अंदर होती है। देखो ये है पैसेंजर व्यू, जो आपके रेयर पैसेंजर होंगे उनके लिए सीट्स है, काफी ठीक ठाक सी हैं, तो इन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से अभी सीट एडजस्ट कर रखी है, और आगे वाली जो है वो को पैसेंजर सीट वो और ज्यादा आगे से एडजस्ट हुई हुई है, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक सा स्पेस इसमें निकल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप है, बिल्कुल है। तो 13 लाख रुपए के अंदर जैसे स्कॉर्पियो S11 का बेस मॉडल भी आ सकता है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा और मिला लिया जाए तो इसका, ये खोलते हैं बूट स्पेस। अब बूट स्पेस इसका कुछ इस टाइप का है, तो भाई ये क्या, ये क्या जो जुगाड़ लेके घूम रहे हो आप चार्जिंग का सीन? सर ये है कि कहीं भाई दबे जाते हैं और चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता कहीं भी, तो ये क्या है स्टेप, मतलब कहीं भी किसी शॉप पे या कहीं भी कोई रिश्तेदारी में जाते हैं तो इसको वहाँ पे लगा के थोड़ा लंबा पॉइंट बन जाता है। ये रखना जरूरी है। ये कितने मीटर की वायर रख रखी है? सर ये 10 मीटर की वायर, 10 मीटर की वायर रखी है। अगर अर्थिंग नहीं हो तो चार्ज होगी या नहीं होगी कार? सर उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है क्योंकि अर्थिंग बताते हैं कि अर्थिंग नहीं है तो आपकी कार लगी रहेगी, चार्जर दिखाता रहेगा कि ये चार्ज हो रही है, लेकिन कार चार्ज नहीं होती। इसका अभी चार्जर है यहाँ पे? नहीं सर वो घर पे ही है। अच्छा वो घर पर रखा है, कैरी बैग दे रखा उन्होंने, उसमें रहता है चार्जर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वैसे एक बात है, छोटी सी कार के अंदर भी इन्होंने जो ये वाला स्पेस बनाया, ये अच्छा स्पेस बनाया। हाँ जी, स्टेपनी व्हील इसके नीचे है, स्टेपनी हाँ जी, इसके नीचे जो स्पेस वेट आ रहा है वो इसके नीचे यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, दिया हुआ है ना, मतलब हाँ जी ये सही चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि देते नहीं। वैसे रिव्यू के अंदर हमने बता दिया था, तो बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है इस कार की? जैसे गड्ढो ओड्डो में जा रही है, कोई खटपट खटपट का साउंड नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं। और जैसे बिल्ड क्वालिटी जिसको बोलते हैं कार के अंदर ताकत, जो जिसकी ये जो बॉडी है, हाँ जी हाँ जी, ये कैसी लगती है? सर बेस्ट है, बाकी काफी गड्ढे भी आए बीच में, मगर ऐसा कुछ आवाज वगैरह नहीं है, अच्छा वो इसका आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये स्कॉर्पियो चलाते चलाते दिमाग में कैसे आ गया कि भाई मैं ये एक इलेक्ट्रिक कार लूंगा? इलेक्ट्रिक कार लेने का बेसिकली आया कहाँ से? सर बाकी स्कॉर्पियो चला चला के काफी बोर हो चुका था। स्कॉर्पियो कौन सी वाली थी, पहले वाली? सर S11 थी। S11 जो जो भी न्यू वाला है? नहीं नहीं, S11 2017 मॉडल था मेरे पास। अच्छा S10, हाँ जी, मैंने 5 साल यूज करी, उसके बाद मैंने सेल आउट कर दी। अच्छा, उसमें क्या है कि जो घुटने वगैरह है काफी किल्स के कारण काफी दर्द करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं बोला था हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऑटोमेटिक चीज ली जाए कि जाम में भी थोड़ा फर्क पड़े, घुटने को ज्यादा यूज नहीं होता नहीं। और सोचो कि अगर आप एक्चुअल बड़ी कार ऑटोमेटिक लोगे तो 13 लाख में नहीं आएगी वो, बिल्कुल नहीं आएगी, है ना? अगर पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक लोगे कोई नहीं देता उसमें, फिर ये भी ना ट्रांसमिशन ये वो फ्लाइट निमकाना, इसके अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक बैटरी, एक मोटर। हाँ जी हाँ जी, बस यही एक सीन है, और जो वो सीन है वो यहाँ से इतना सा दिखता है। इलेक्ट्रिक कार में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक तो मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं, आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि एक सिस्टम के साथ जुड़ी होती है, इसमें कोई क्लच तो होता नहीं? नहीं जी क्लच नहीं होता सर, एक्चुअल इसके अंदर भी कोई क्लच नहीं होता, ये जीरो क्लच मशीन होती है, एक ट्रांसमिशन होता है जो व्हील्स को मोटर से कनेक्ट करता है, क्योंकि उसी से उसको ना टॉर्क मिलता है, और अगर वो ना हो तो फिर टॉर्क मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मूविंग पार्ट्स कम हो गए इसलिए मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और आपको कोई इन फ्यूचर परेशानी नहीं होगी। बट एक चीज आपने सोची कि इसकी बैटरी कब तक खराब हो जाएगी? सर कंपनी 7 साल की कह रही है। कंपनी 7 साल, वैसे भी 7 साल के बाद तो कोई कंपनी 7 साल कह रही है, 1.5 लाख किलोमीटर की कह रही है सर वारंटी। हाँ जी, तो आप 7 साल वाली लो। उसमें एक चीज और बेटर है कि जैसे बैटरी के अंदर सेल होते हैं, तो बैटरी खराब होने पर खराब हो जाती है, सेल खराब हो जाती है, पूरी बैटरी चेंज होती है, मगर इसमें क्या है कि वो सेल ही चेंज होगा। अच्छा, एक सेल खराब हो चाहे 2 सेल खराब हो, सेल ही चेंज होगा। यार ये बड़ा सही सीन है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जब बैटरी की रिप्लेसमेंट होती है ना, पूरी पूरी बैटरी वो डिस्कार्ड बिल्कुल मार देते हैं। हाँ जी, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट सेल को डिटेक्ट करके, हाँ मान लो 2 सेल 12 सेल है, तो 12 सेल में से मान लो 2 सेल खराब भी होते हैं, तो 2 नए डल जाएंगे, तो फिर इसका मतलब कि कॉस्ट तब भी नहीं पड़ेगी ज्यादा, 7 साल बाद भी नहीं पड़ेगी। वो तो 7 साल के बाद देखिए सर, सोचना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले 7 साल तक इन गाड़ियों का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ आपकी ये बैटरी, ऐसी चीजें चेंज होती रहती हैं, जैसे कि ये बैटरी हो गई, टायर्स हो गए, आपके ब्रेक शू हो गए,
जो भी ऐसा वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है वो तो चेंज होगा सर, वो तो हर गाड़ी में होगा, वो तो हर गाड़ी में होगा। इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि मोटर बहुत ही अच्छी होती है, ये फ्रिक्शन लेस मोटर होती है, ट्रांसमिशन ऐसा होता है कि उसको कुछ होने का ही नहीं है, बस ये होता है कि बैटरी का थोड़ा सा लोचा इसके अंदर हो जाता है। बट जैसे कि ये बता रहे हैं जो कि सेल इंडिपेंडेंट सेल को डिटेक्ट करके उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए, तो सोचना अगर एक बैटरी ये 13 लाख रुपए की कार है, मान लिया मैंने, मैं मान रहा हूँ कि 7-8 लाख रुपए की या 7 लाख रुपए की ये बोलते हैं भैया आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट होगी 7 साल बाद, अगर सेल ही चेंज कर दें तो हो सकता है वो 30-40 हजार रुपए के अंदर हो जाए, वो तो 50 हजार के अंदर हो जाए, कुछ भी हो सकता है सर। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन आपका कैसा है अभी तक का? सर अब तक तो बेस्ट है मेरा डिसीजन, बढ़िया लगी बिल्कुल सर। अभी अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेना चाहता है तो वो वहां से देख रहा है, उसको ये बता दो कि भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, बिल्ड क्वालिटी आपको समझ में आ रही है, प्लास्टिक की क्वालिटी? हाँ जी हाँ जी समझ आ रही है ना आपको। अगर कोई कार लेना चाह रहा है 13 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए वो खर्च कर रहा है, जाना चाहिए इस कार की तरफ? सर बिल्कुल जाना चाहिए, बाकी कार की क्वालिटी भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है, अंदर स्पेस भी अच्छा है, जो लेना चाहता है मैं तो कहूँ बिल्कुल लेगा सर, बहुत अच्छी कार है। 13 लाख में इसका जो लुक है, एक्चुअली ये हटाना जरा एक बारी, जो इसका जो रोड प्रेजेंस है ना वो एक छोटी एसयूवी जैसी लगती है, एक मिनी एसयूवी, माइक्रो नहीं मिनी एसयूवी। देखो इसको ना थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ, ये अच्छी खासी बड़ी कार लगती है, जबकि छोटी गाड़ियां भी है मार्केट में बिल्कुल सर 13-13 लाख रुपए की, जिनकी रोड प्रेजेंस छोटी है, लेकिन बड़ी गाड़ी दिखेगी उसके अंदर स्पेस बड़ा होगा और कार ठीक है, जो रेंज है वो बताई दिया। अभी इसकी टॉप स्पीड कितनी जा रही है? टॉप स्पीड तो अभी जो रियलिटी में है वो 83 है, 83। बाकी मेरी कंपनी से बात हुई थी तो कहते वर्कशॉप पे लिया ना 107 कंपनी कह रही है। तो पहले वो ये लिमिट करके देते हैं स्टार्टिंग, ये तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने तो फर्स्ट बार ली है, वो जाने के बाद ही पता लगेगा। ये सब कुछ पूछना चाहिए कि कंपनी भाई लिमिट करके देती है स्टार्टिंग में, फर्स्ट सर्विस होगी इसकी अभी नहीं, वैसे इसकी सर्विस में सर्विस तो कुछ होगा नहीं ना सर इसका। हाँ, इसमें तो सिर्फ वॉश करके दे देंगे, चेक चुक करके दे बिल्कुल देंगे ना। बिल्कुल सर। तो गाइस यही एक छोटा सा था एक ऑनर के साथ में, एक्चुअली ये ऐसे ऑनर है जो बिल्कुल घुस के बता सकते हैं क्योंकि स्कॉर्पियो ऑनर रह चुके हैं, पहले स्कॉर्पियो ड्राइव करते थे ये, इन्होंने ये कार क्यों ली इन्होंने बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जो बताना, हमारा काम था सिर्फ इस वीडियो को बनाना आप लोगों के लिए कि C3 जो की जो इलेक्ट्रिक कार है ECI3 सिट्रॉन की तरफ से आती है वो कैसी है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, बाय बाय।